हे गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर ललन व्लॉग। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम आ चुके हैं जयनगर रेलवे स्टेशन पे। और दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो होने वाले बहुत ही खास और बहुत ही इंफॉर्मेटिव, क्योंकि आज हम ट्रेवल करने वाले हैं नेपाल ट्रेन के अंदर, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट से इंड पॉइंट जाएंगे, यानी कि जयनगर से कुर्था तक आज ट्रेवल करने वाले हैं, जो कि जनरल कोच में ट्रेवल करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में देखिए ये नेपाल रेलवे का जो टिकट है वो आ चुका है, और अब हम करने वाले हैं ट्रैवल, वो भी नेपाल रेलवे के अंदर। ट्रैवलिंग के दौरान आप लोग को यह पता चलेगा कि किस स्टेशन पर कितने टाइम में ये नेपाल रेलवे जो है वो पहुंचती है। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि वीडियो में बहुत ही आगे मजा आने वाली है। तो चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। और दोस्तों, इस स्टेशन की बात करें तो इस स्टेशन पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स है, जो कि आप मेरे पीछे पहले देख सकते हैं। अभी जो ट्रेन लगी हुई है ये प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे लगी है, और 1 से ही खुलेगी, और उस साइड जो हो जाता है वो 2 और 3 प्लेटफॉर्म्स है। और इस स्टेशन की अगर लोकेशन की बात करें तो ये जो जयनगर रेलवे स्टेशन है वो इंडिया में ही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो नेपाल ट्रेन आती है। और दोस्तों, ट्रेन की बात करें तो ये नेपाल ट्रेन जो है वो जयनगर से 8:20 में निर्धारित समय खुलती है, और अभी टाइम हो रहे हैं 8:15, यानी कि 5 मिनट बाद ये जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, अभी हम चलते हैं सीधा ट्रेन के अंदर और आपको दिखाते हैं कि जयनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर जो है वो कितनी भीड़ होती है। तो हमने भी आपको दिखाया कि जयनगर रेलवे स्टेशन पर नेपाल रेलवे के अंदर जो है अभी भीड़ कैसी है। तो आपने भी देखा कि अभी जयनगर रेलवे स्टेशन पर जो है उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये जो ट्रेन है आगे बढ़ेगी वैसे वैसे भीड़ का काफिला जो है वो बढ़ता जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ से करते हैं कंटिन्यू। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नेपाल ट्रेन जो है वो खुल चुकी है जयनगर रेलवे स्टेशन से। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि जयनगर रेलवे स्टेशन को अभी हम क्रॉस कर रहे हैं और देखते हैं अगला स्टेशन कौन सा आती है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा है कि अभी हम जयनगर रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे थे, तो इससे अगला स्टेशन जो है वो इनरवा रेलवे स्टेशन है। तो कुछ ही देर के बाद जो है वो इनरवा रेलवे स्टेशन भी आने वाली है। तो आज के व्लॉग्स में आप लोगों को A to Z जानकारी मिल जाएगा नेपाल रेलवे को लेकर के, कि कितना स्टेशन है, किस स्टेशन पे से किस स्टेशन आती है, और कितने टाइम पे कौन से स्टेशन पहुँचती है। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम इनरवा पहुंच चुके हैं, और देखिए एक ट्रेन जो है वो यहीं पे लगी हुई है, और दूसरी जो ट्रेन है उसमें हम सफ़र कर रहे हैं, यानी कि अभी जो है वो एक ही ट्रेन जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम इनरवा रेलवे स्टेशन से पहुंच गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यह इनरवा रेलवे स्टेशन, और जस्ट अभी हम जयनगर से चले ही थे और पहुँच गए इनरवा रेलवे स्टेशन। तो टोटल जो समय है वो 6 मिनट का समय लगा है जयनगर टू इनरवा आने में, और चलिए यहाँ से अब कुछ देर के बाद प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि अभी हम इनरवा रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख ही पा रहे होंगे कि नेपाल ट्रेन जो है वो जस्ट इनरवा से निकली थी, और खजुरी जाने के लिए कितना ज़्यादा तीव्र गति से चल रही है, जो कि आप देख ही पा रहे हैं। और कुछ ही देर के बाद हम पहुंचने वाले हैं अगला रेलवे स्टेशन, खजुरी रेलवे स्टेशन। और दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि अभी हम खजुरी रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, और देखिए यहाँ पर जो है यात्रियों का कितना ज़्यादा भीड़ है, जो कि आप देख ही सकते हैं। यानी कि अभी खजुरी रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, और देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है, और यहीं पे ट्रेन जो है वो फुल हो जाती है खजुरी रेलवे स्टेशन पे, जैसा कि आप लोगों ने अभी देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है खजुरी रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि ट्रेन के अंदर जो है वो कितना अफरा तफरी का माहौल बना है, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए खजुरी रेलवे स्टेशन पे काफ़ी संख्या में जो है वो लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, इसी की वजह से जो है देखिए इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है खजुरी रेलवे स्टेशन पे। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी हम खजुरी रेलवे स्टेशन से पहुंच चुके हैं, और ये देखिए ट्रेन अभी लगी हुई है, जस्ट हम ट्रेन से अभी उतरे हैं, और अभी का आपको माहौल दिखा रहे हैं गर्मा गर्म, वो भी खजुरी रेलवे स्टेशन का।
और देख सकते हैं दोस्तों अभी मेरे सामने ट्रेन लगी हुई है और अभी जस्ट हम पहुंचे और देखिए ट्रेन खुल गई है, तो चलते हैं सीधा यहाँ से ट्रेन के अंदर, नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे, ट्रेन पहुंच जाएगी जनकपुर। तो चलिए चलते हैं सीधा ट्रेन के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं अभी हम खजरी रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं और देखिए इतना सारा बकरी यहाँ पे चल रहा है, देख लो भाई ये है खजरी रेलवे स्टेशन और इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे। दोस्तों अभी हम जस्ट खजरी से निकले थे और खजरी से निकलने के बाद देखिए ट्रेन कितना ज़्यादा हॉर्न मार रहा है यार, नहीं सुनाई देता। देखो जस्ट अभी हम खजरी से निकले थे और अभी देखिए ट्रेन जो है वो कितना ज़्यादा रफ्तार पकड़ लिया, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, देखिए कितना ज़्यादा रफ्तार पकड़ लिया। दोस्तों अभी हम कुछ ही देर के बाद जो है वो पहुंचने वाले हैं मैनातपुर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम मैनातपुर रेलवे स्टेशन पे जस्ट पहुंच गए हैं। मैनातपुर रेलवे स्टेशन का भी हाल वही है जैसा कि खजरी का था और कितना ज़्यादा भीड़ है आप जो कि देख ही सकते हैं। ये है मैनातपुर रेलवे स्टेशन का नज़ारा हम अभी आपको दिखा रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं मैनातपुर रेलवे स्टेशन। और दोस्तों टाइमिंग की बात करें तो आपको बता दें कि मैनातपुर रेलवे स्टेशन पे नेपाल रेलवे जो है वो 9 बजे पहुंचती है और जयनगर से खुली थी 8:25 में। वैसे जयनगर से खुलती है 8:20 में लेकिन 5 मिनट लेट चली थी, लेकिन फिर भी मैनातपुर रेलवे स्टेशन पे एग्जैक्ट टाइम पे पहुंची है। तो मैनातपुर रेलवे स्टेशन पर आने आते आते नेपाल रेलवे जो है अपना समय पकड़ लिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे अभी हम मैनातपुर रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपको बता दें गोबराही हॉल्ट को अभी हम क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन गोबराही हॉल्ट पे नेपाल रेलवे जो है वो नहीं रुकती है, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने गोबराही रेलवे हॉल्ट को क्रॉस किया था, लेकिन यहाँ पे जो है ट्रेन नहीं रुकती है, ये कोई हॉल्ट वॉल्ट नहीं है। पहले था जब छोटी लाइन चलती थी तो यहाँ पे था, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, अभी सीधा मैनातपुर से बैद ही जाके रुकेगी ये नेपाल रेलवे। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी हम बिमला रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, ये है बिमला नदी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा कि अभी हम बिमला रिवर को क्रॉस किए थे और कुछ ही देर के बाद हम पहुंचने वाले हैं बैदही रेलवे स्टेशन। और दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये है बैदही रेलवे स्टेशन, यानी कि अभी हम बैदही रेलवे स्टेशन पे जस्ट पहुँच रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है बैदही रेलवे स्टेशन और गाड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आई है और देख सकते हैं बैदही रेलवे स्टेशन पे खास उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बैदही रेलवे स्टेशन पे जो है वो देखिए भीड़ ज़्यादा नहीं है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों इस बैदही रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो ये जो बैदही रेलवे स्टेशन है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पूरा गाँव के नज़दीक में ही है, जो कि देखिए वो बैदही गाँव है और उसके जस्ट सटा हुआ है बैदही रेलवे स्टेशन। और ये अभी हम जो खड़े हैं वो है बैदही रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म 51 जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे अभी हम बैदही रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। और दोस्तों टाइमिंग की बात करें तो बैदही रेलवे स्टेशन पे 9:15 में जो है वो नेपाल रेलवे पहुँचती है, आज का टाइमिंग बता रहे हैं और हर दिन का टाइमिंग भी वही है, तो एकदम एग्जैक्टली टाइम पर अभी चल रही है नेपाल रेलवे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे परवाह रेलवे स्टेशन भी हम पहुंच रहे हैं, परवाह रेलवे स्टेशन जो कि नेपाल में है और बैदही के बाद जो है वो परवाह रेलवे स्टेशन आती है।
कि ये है परवाहा रेलवे स्टेशन, जहाँ पे जो है नेपाल रेलवे बैधी के बाद जब चलती है तो ये परवाहा रेलवे स्टेशन पे रुकती है। और बैधी से जस्ट चले से 9:15 और 9:16-17 पे चले थे और अभी हो गए हैं 9:22। और देख सकते हैं और यहाँ पे भी देखेगा तो पब्लिक का उतना ज़्यादा भीड़ कुछ खास था नहीं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से सीधा अब जनकपुर और दिखाते हैं जनकपुर का माहौल एकदम। तो दोस्तों कुछ ही देर के बाद अब हम जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ये है जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन जो कि हम पहुंच गए हैं। और देखिए यहाँ पर जो है जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन पे स्कूली बच्चों का जो है देखिए कितना ज़्यादा भीड़ रहता है जो कि आप देख ही पा रहे होंगे। और अभी जस्ट पहुंच चुके हैं जनकपुर धाम रेलवे। तो देखिए जस्ट जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन पे जो कि आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन पे कितना ज़्यादा भीड़ रहता है। यहाँ पे कभी तो भीड़ कमता ही नहीं है, जब भी ट्रेन चलती है जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन जो है पूरा खचाखच भरा हुआ है पब्लिकों से। देखिए हम आपको नीचे जाके दिखाते हैं और देखिए कितना ज़्यादा भीड़ रहता है ये जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन पे जो कि आप देख ही सकते हैं। देखिए कितने ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर उतर रहे हैं ये जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन पे। और जैसा कि अभी आपने देखा ना कि अभी पूरा का पूरा भरा हुआ था, पैसेंजरों से खचाखच भरी हुई थी ये नेपाल ट्रेन और अभी जो है ये पूरे के पूरे खाली हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दूर दूर तक आपको बस एक दो आपको नज़र आएगा, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो ज़्यादातर लोग जो है ये नेपाल ट्रेन में वो जनकपुर धाम के लिए ही ट्रैवल करते हैं। तो चलिए हमको तो जाना है यहाँ से कुर्था, तो चलिए चलते हैं यहाँ से कुर्था और दिखाते हैं कुर्था तक जाने में कितना टाइम लगता है। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि अभी हम जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। और ये दोस्तों आपको बता दें कि अभी हम जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन से जब से निकले हैं और अब जो अगला स्टेशन आने वाली है वो आने वाली है कुर्था रेलवे स्टेशन। और जनकपुर से तकरीबन 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है कुर्था का। तो चलिए पहुंचते हैं कुछ ही देर के बाद कुर्था रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे साफ साफ देख रहे होंगे लिखा हुआ है कुर्था, यानी कि अब हम पहुंच चुके हैं कुर्था रेलवे स्टेशन जो कि जनकपुर के बाद आती है कुर्था रेलवे स्टेशन। जैसा तो दोस्तों आज का जो ट्रैवलिंग है वो यहीं समाप्त होता है क्योंकि अभी हम पहुंच चुके हैं जस्ट कुर्था रेलवे स्टेशन जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल रेलवे जो है वो जयनगर से 8:25 में चली थी और अभी जो समय बज रहे हैं वो 10:12 हो रहे हैं, यानी कि नेपाल रेलवे जो है अप्रॉक्सीमेट जो है वो 2 घंटा लगाती है कुर्था रेलवे स्टेशन पहुँचने में।